वेलकम बैक टू रूला व्लॉग्स। तो गाइस जो आज का व्लॉग है ये है मेकअप हैक्स। मैं आज आपको बहुत सारे डिफरेंट मेकअप हैक्स करके दिखाऊंगी। जो चीज़ें हम मेकअप में यूज़ करते हैं उन्हें, जैसे लिपस्टिक को आई शेडो की तरह या फिर हेयर पिन से आईलाइनर, ये सारा कुछ मैंने ऐसे किया हुआ है। आप आगे का सारा व्लॉग देखना एंड उसे लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए, एंड कमेंट करना कि आपने कौन सा जो मेकअप हैक है वो यूज़ किया अपने लिए एंड वो सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ, परफेक्ट हुआ। तो प्लीज़ आप मुझे उसकी वीडियो भी बना के सेंड, स्टोरी लगाऊंगी। एंड ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शूट कर रही हूँ कि अभी लॉकडाउन भी है, बहुत लोगों को सामान की भी प्रॉब्लम होगी कि बहुत पूरा सामान नहीं होगा क्योंकि बाहर नहीं जा सकते हम। तो प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। तो ये फैमिली जो मेरा सबसे पहला मेकअप हैक है वो ये है कि हमें मेकअप करने के लिए चाहिए होती है स्पॉन्जेस। अगर ये गंदी हो जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी स्पॉन्जेस हैं, इन्हें एक साथ धोना बहुत मुश्किल है। तो हम लेंगे एक सॉक्स एंड इसमें हम डालेंगे ये सारी स्पॉन्जेस को। एक तो आपके इतने सारे जो स्पॉन्जेस हैं वो इजीली वॉश हो जाएंगे, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान होने वाली हैं सच में, क्योंकि हमारे मेकअप का फर्स्ट पार्ट होता है कि हमारी जो स्पॉन्जेस है वो सारी क्लीन होनी चाहिए। एक तो हो चुकी है अच्छे से। ओके, तो आपने देखा ही होगा जब मैंने दिखाई थी तो तीनों एक हाथ में ईजिली आ रहे थे। इनका साइज बहुत बड़ा हो चुका है धोने के बाद, क्योंकि जो सारा मेकअप था वो निकल गया है। ये देखिए बिल्कुल साफ हो चुकी है। सो गाइस, मेरा सेकंड मेकअप हैक है वो ये है कि अगर हमारा फाउंडेशन खत्म हो जाता है तो हम इसे दोबारा फेंकने की बजाय थोड़ा अगर बहुत बच जाता है इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसे ओपन करना है क्योंकि ये मेरा मोस्टली खाली हो चुका है, आप देख सकते हैं। मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि मेकअप कलेक्शन भी दिखाइए, तो हम इसमें थोड़ा सा हमने इसमें लोशन डाल दिया है। कोई भी फाउंडेशन हो, उसे खत्म होने वाला हो तो आप उसमें कोई भी क्रीम या बॉडी लोशन डाल सकते हैं। ओके गाइस, तो ये निकल रहा है। सो गाइस, ये जो मेरा मेकअप हैक 3 है वो ये है कि हमारे जो फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं हम करेक्टर की मदद से उन्हें थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट बहुत लोगों को पता भी हो। तो जिन्हें नहीं पता है उनको मैं ये बताती हूँ कि आपको कोई भी ग्रीन कलर का करेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास शेडो किट है तो बस ग्रीन कलर लेना है हल्का सा, जहाँ जहाँ पे आपके पिंपल है आपने वहाँ वहाँ पे लगा लेना। मेरे सिर्फ फोरहेड पे पिंपल्स होते हैं बिकॉज गर्मी की वजह से, मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आपके भी बहुत सारे पिंपल्स होते हैं फेस पे या फिर जो दाने दाने हो जाते हैं तो आप पानी पी सकते हैं बहुत सारा। तो मैंने ये अपने फेस पे जो आई शेडो थे वो लगा लिया है ग्रीन कलर का, उसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ कंसीलर। गाइस, जो वो ग्रीन था वो मैंने अच्छे से मर्ज कर लिया। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझे जितना लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो हम नेक्स्ट करते हैं, उसके लिए भी हमें कंसीलर चाहिए एंड आपको चाहिए कोई भी रेड कलर की लिपस्टिक। अगर आप लोगों के डार्क सर्कल्स हैं आपको एक चाहिए रेड लिपस्टिक, उसे आपने लगा लेना है अपनी आईज़ के नीचे। लिपस्टिक लगा ली है एंड मैं फिर से लगा रही हूँ यहाँ पे कंसीलर। ओके, मैंने इसे अच्छे से मर्ज कर लिया है एंड मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं मेरे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट मेकअप हैक है वो है कि हम आई शेडो, हमारे पास अगर आई शेडो किट नहीं है और लॉकडाउन की वजह से हम अपना सामान थोड़ा सेव करना चाहते हैं, क्योंकि दिस टाइम जो मनी की भी प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है एंड बाहर भी हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये टाइम ऐसा है, तो हम कोई भी लिप कलर लेंगे उसे अपने आईज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा आई शेडो। ओके, तो मैंने जो मुझे लिपस्टिक अच्छी लगी वो मैंने ले ली है, अब मैं इसे अच्छे से मर्ज करूँगी तो लगा सकती हूँ, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में हमने कहीं जाना भी नहीं है। गाइस, मेरी आई शेडो जो है वो रेडी है, मैंने अपनी लिपस्टिक के साथ लगाई है वाली। तो अगर आपके पास कोई भी लिपस्टिक है आप उसके साथ मैचिंग आई शेडो लगाना चाहते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो ये है कि आपको ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे फिंगर टिप्स के साथ ही लगा सकते हैं, मैंने ये लगा लिया है। ओके, जो मेरा नेक्स्ट मेकअप हैक है वो ये है कि हम अपनी लिपस्टिक से ही ब्लशर लगा सकते हैं एंड इससे आपके ब्लशर के भी जो पेमेंट है वो सेव होगी, आपको ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक स्पॉन्ज चाहिए जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ वीडियो में,
तो हम ये लगाने जा रहे हैं। कोई भी शेड आप ले सकते हैं, चेरी शेड, रेड शेड, पिंक, जैसा आपको ब्लशर पसंद है। ओके, मैंने लगा लिया है, इट्स बिट पिंक। तो फैमी, जो मेरा नेक्स्ट मेकअप हैक है वो ये है कि आप अपनी ग्लॉसी लिपस्टिक को मैट कैसे कर सकते हैं। उसके भी दो तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगी। मैंने ये लिपस्टिक ली है, ये कलर है इसका, मैंने लिपस्टिक लगा ली है। आपको चाहिए एक टिश्यू, एंड आपने ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई है तो आपने बस इसे फोल्ड करना है। ओके, नाउ इट्स मैट गाइस। तो अगर आपको इस लिपस्टिक को और भी ज्यादा मैट करना है तो आप स्पॉन्ज के ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं। तो ये और भी मैट हो चुकी है, इस पे कोई भी लिपस्टिक का दाग नहीं लगा, आप चेक कर सकते। इससे आपके जो लिक्विड मैट लिपस्टिक है, अगर आपके पास मैट शेड वो नहीं है और लिक्विड में मिलता है, हमेशा ऐसे होता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो मैं मैट में लेने जाती हूँ, मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स है ना लिपस्टिक की, मुझे वो शॉप पे जाके नहीं मिलता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वो लिक्विड में ले लेती हूँ, बाद में से ऐसे लगा लेती हूँ। गाइस, जो मेरा नेक्स्ट हैक है वो ये है कि अगर आपके पास मैट लिपस्टिक है, आप उसे ग्लॉसी नहीं करना चाहते बट आपको थोड़ी सी शाइनी चाहिए, तो आपको चाहिए एक हाइलाइटर। तो इसको आपने थोड़ा सा फिंगर टिप पे लगाना है। तो मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है, इससे डबल शेड भी आ जाता है और लिपस्टिक जो है वो थोड़ी शाइनी और ग्लिटरी हो जाती है। आपके पास जो भी हाइलाइटर है, चाहे आप येलो कलर का यूज करना चाहते हैं, गोल्डन कलर का, वो भी यूज कर सकते हैं, सिल्वर भी यूज कर सकते हैं। मैंने थोड़ा लाइटिश पिंक यूज किया है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा। तो फैमी, आपको बताने से पहले मैंने ये पहले ट्राई किया है। आपको एक चाहिए हेयर पिन, उसके ऊपर आपने लगाना है अपना फेवरेट कोई भी आपके पास जो आई शेडो है। मैंने लगाया ब्लू क्योंकि इसके साथ ब्लू ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आपने उसको आइलैंड की तरह अप्लाई करना है। मैं अभी अप्लाई करने जा रही हूँ। तो मेरा ये आई शेडो प्लस हाइलाइनर जो है, हमने आई शेडो की मदद से लगाया, वो लग चुका है। इसके लिए आपको ब्रश की जरूरत नहीं है। अगर आपने ब्रश आपके पास नहीं है तो आप जो अपने हमारी हेयर पिन होती है उसे आप एज अ लाइनर स्टिक यूज कर सकते हैं। ये देखो, परफेक्टली विंग आई लाइनर लग गया मेरा। हे फैमी, तो आपको सबसे पहले चाहिए गर्म पानी। तो ये जो हैक है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा क्योंकि हमारी बहुत सारी लिपस्टिक्स जो हैं वो जम जाती हैं, है ना, या फिर नेल पेंट्स होती है वो भी जम जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो भी लिपस्टिक खत्म होने वाली होगी, ये ही मेरे पास है एक जो थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है कि ये खत्म है, आपको इसे थोड़ा सा शेक करना है। शेक करने के बाद गर्म से भी गर्म पानी में रख देना है। ओके फैमी, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं एंड मैंने इस बीच ही अपना मस्कारा एंड अपने जो ब्रोज है वो कर ली है। अभी हम इसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसे शेक करेंगे। ओके, आई कैन फील थोड़ा बहुत डिफरेंस। ये देखो, आपको थोड़ी थोड़ी ग्लॉसी लग रही है ना। अगर आपके पास और भी ज़्यादा गर्म पानी है और इसे और भी टाइम के लिए रख सकते हैं आप। ओके, मुझे इसका ब्रश भी गर्म गर्म फील हो रहा है एंड ये मेरी लग चुकी है क्योंकि मैंने इसे डबल शेड कर लिया है। अगर आपको जो आपका फेवरेट शेड है वो चाहिए तो आप दो लिपस्टिक्स को मिक्स करके एक शेड बना सकते हैं जो आपका फेवरेट होगा। ओके, तो मेरा मेकअप हो चुका है एंड गाइस, स्पेशली मैंने ये ब्लॉग शूट किया है आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा जो अभी मैंने मेकअप हैक्स किए हैं, बहुत लोगों को शायद पता भी होगा। तो गाइस, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके पास भी कोई डिफरेंट हैक हो, मेकअप हैक हो, दूसरे लोग जिन्हें नहीं पता होगा वो उसे फॉलो कर पाएँ, वैसे ही वो अपना मेकअप कर पाएँ जिनके पास पूरी चीज़ें नहीं होंगी, जैसे मेरे पास बहुत कुछ नहीं है अभी भी। तो मैंने लिपस्टिक से आई शेडो बना लिया, ये सारा कुछ किया। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको और भी हमारे कलेक्शंस चाहिए, मेकअप कलेक्शन चाहिए या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस, आप प्लीज़ कमेंट करना कि आपको दोनों में से कौन सा कलेक्शन चाहिए। एंड हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिस्टर मिसेस नरूला, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट ऑल्सो, इसे भी कर देना ताकि आपको हमारे डेली व्लॉग्स के बारे में पता चलता रहे कौन सा हम डालते हैं कौन सा नहीं डालते हैं। तो गो एंड सब्सक्राइब।